आज क्या होने वाला है मैम? सर आज 15 अगस्त है और आज हम सभी लोग बच्चों के लिए एक बिग सरप्राइज लेके आने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अभी मैम ने आपको बताई कि आज बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। क्या है घोषणा, आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है सीयूटी 2023 में आप में से कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, कई लोग का सपना होगा देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्स में पढ़ने का। लेकिन होता क्या है कि उस टॉप कोर्स में सीटें की संख्या बहुत कम है, तो हो सकता है कि आपका एडमिशन किसी कारणवश ना हुआ हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी क्लास 12th में होंगे, जिनका सपना होगा BHU में पढ़ने का, DU में पढ़ने का, JNU में पढ़ने का। तो उस सपना को साकार करने के लिए आपको अब सीयूटी का एग्जाम देना होगा। यानी दोनों स्थिति में आज क्या होने वाला है बड़ी सरप्राइज, वो आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखिएगा। आपके लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट क्या लेकर आई है सरप्राइज, आइए हम लोग जानते हैं। तो बच्चों जिन भी स्टूडेंट का सपना है CHS एंट्रेंस एग्जाम या फिर JNB सैनिक स्कूल एग्जाम को करेक्ट करने का, उसके लिए। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट का सपना है BHU DU 12th पास करने के बाद यानी सीयूटी UG को करेक्ट करने का, उन स्टूडेंटों के लिए जिनका UG कंप्लीट हो जाता है उसके लिए, सीयूटी PG के लिए भी। इसके अलावा अगर आप LLB BA MBA की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट लेकर आई है आज। सीयूटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच है जिसका नाम है तो बच्चों श्योर सिलेक्शन बैच आज लॉन्च होने जा रहा है। और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ एक एक मेंटर्स से जो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ। मैम कैसी हो आप? तो ये है पूर्णिमा मैम जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी। अब मैं आगे चलता हूँ। तो आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि मैम पिछले वर्ष भी पढ़ाई है। मैम का नाम है सिमरन मैम और मैम आपको पढ़ाएगी MA इंग्लिश, यानी MA इंग्लिश की फैकल्टी है मैम जी। तो मैम थैंक यू, आप रेडी हो मैम? हाँ बिल्कुल, आपका वेलकम है CUET कॉन्सेप्ट में। इसी क्रम में क्रांतिकारी आगे बढ़ते हैं। मैम कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक। बताओ मैम बच्चों के लिए आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार। मैम का नाम है मिनी मैम और मैम आपको पढ़ाने जा रही है ज्योग्राफी डोमेन जी। इसके अलावा सीयूटी PG में भी मैम ज्योग्राफी को पढ़ाने वाली है और ये SC मैम है, मोनाली मैम है, खुशी मैम है। जो जितने भी बच्चों का डाउट आएगा आप लोग कॉल करोगे तो मैम लोग ही रिसीव करेंगे। मैम लोग को पहचान लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग मैम लोग को देखने वाले नहीं हैं। मैम कैसी हो आप? अच्छी हो सर। ये है मैम SSB मैम। मैम आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आप सोचे होंगे बच्चों कि मैम क्या पढ़ाएगी, मैम क्या पढ़ाएगी। देखिए बच्चों बायोलॉजी के लिए आपके बीच में दो फैकल्टी हैं, SSB मैम और नंदिनी मैम, जो आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी डोमेन को। अब मैं आगे चलता हूँ। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर एकदम। तो सर का नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे, देवाशीष सर। पिछले 3 वर्षों से BCOM को पढ़ा रहे हैं, BCOM के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस वर्ष आपके यहाँ आपके लिए अकाउंटेंसी इसके अलावा बिजनेस स्टडीज को भी सर देखेंगे। सर तैयार है? एकदम सर, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है आने वाले नेक्स्ट हमारे 2024 के लिए। तो एकदम जोर शोर से हम लोग तैयारी करेंगे बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ये सर हैं आशीष सर। आप लोग अक्सर जितने भी बच्चे हैं सबको पता है, आप लोग गाँव से हो, सभी को पता है कृषि के बारे में। तो सर जो पढ़ाने वाले AG डोमेन को पढ़ाने वाले हैं, तो सर बताइए AG के लिए आप तैयार हैं? पूरी तरह तैयार है सर, मजा आएगा बच्चों एग्रीकल्चर पढ़ने में। और बच्चों एक खास बात मैं आपको बता दूं कि सीयूटी कॉन्सेप्ट आपके लिए हर एक डोमेन सेक्शन जनरल टेस्ट लैंग्वेज के लिए बुक लेकर आ रही है। जी हाँ, ऑफलाइन बुक। तो अब आपको डरने की बात नहीं है, सीयूटी कॉन्सेप्ट जो अपना पहला बैच लेकर आई है, पूरी उम्मीद है, पूरा उद्देश्य है हमारा कि आप किसी से भी पीछे ना रहो, हर किसी से आगे रहो और आप अपना एफर्ट लगाओ और आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है वो साकार करो। अब मिलते हैं आप लोग के बीच सूरज सर, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। सूरज सर कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा सर। सूरज सर आपको पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग सर, बच्चों के लिए दो सब कहिए आप। सर निसंदेह इस बार जो है सर हमारी तैयारी जो है पिछले बार से काफ़ी अच्छी है और हम इस बार बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं, बहुत बहुत क्रांति करने वाले इस बार। तो सर स्पीड में सूरज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रहे आपके बीच कुंदन सर, तो कुंदन सर को भी आप लोग जानते हैं। कुंदन सर यहाँ हिस्ट्री डोमेन को पढ़ाने वाले हैं। और कुंदन सर बताइए आप तैयार हैं?
बिल्कुल तैयार हैं और इस बार इतिहास में आप लोग इतिहास रचने वाले हमारे साथ। क्या बात है सर, आज 15 अगस्त का दिन भी है सर। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके बीच हैं आदर्श सर, जो आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। सर कैसे हैं? बिल्कुल सही सर, और फिजिक्स में इस बार तो आग लगा देंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स ला के दिखाएंगे। आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है, और आप देख रहे होंगे सर का जो है अभी आपको पता है आई फलू का दौर है, तो आप लोग भी बच के रहिएगा। सर भी थोड़े से मतलब प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि सही हो जाएंगे। अब सर हैं अमरजीत सर, क्योंकि आप लोग जानते होंगे बीएड डिपार्टमेंट के आपको रीड करने वाले हैं सर और पढ़ाने वाले हैं पूरी तरीके से। तो सर आप बीएड वाले बच्चों के लिए एकदम तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, और इस बार जो भी स्टूडेंट अपने टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनका पहला जो स्टेप होता है वो बीएड एंट्रेंस होता है। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट परिवार के साथ जुड़ करके आप अपनी टीचिंग फील्ड में जाने का जो सपना है उसे पूरा करेंगे। अब आगे करेंगे सर। देखिए बच्चों, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं स्कूल का, जेएनवी हो गया या सीएचएस, उसके बाद आप यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर पीजी का, फिर बीएड का, तो अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक कोर्स का, हर एक क्लास का पढ़ाई यानी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। संजीत सर हैं जो कि आपको मैथ डोमेन पढ़ाने वाले हैं। सर आप तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल तैयार हैं, और हम लोग जो है वो आगे मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आप लोग बच्चे भी मेहनत करेंगे, और इस बार सिलेक्शन रेशियो को और तेजी से ग्रोथ लाना है सर। ये सर हैं कनिष्ठ सर, जो कि आपको लीगल स्टडी डोमेन देखने वाले हैं सर। तो सर लीगल स्टडीज के लिए क्या कर रहे हैं? सर लीगल स्टडीज के लिए अभी तो हम लोग कंटेंट पे काम कर रहे हैं, और पीवाईक्यूज हमारे तैयार हैं, जिसके बारे में हमने बात किया था कि बुक लेकर हम लोग आपके बीच आ रहे हैं। जी सर, तो लीगल स्टडीज का बुक एकदम काम हो गया सर, पूरा पीवाईक्यूज तैयार हो गया सर। क्या बात है सर। आपको पता है बच्चों, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी करोगे और यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सर। ठीक है बच्चों, आपको पता है अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट, उसमें मैथ का एक पोर्शन है, तो मैथ के जो आपको समस्या है उस समस्या को सोल्व करने जा रहे हैं प्रवीण सर। सर आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि हम लोग बुक पर काम कर रहे हैं, वो बुक में चैप्टर वाइज सर और बेहतरीन सलूशन के साथ इस बार आ रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ करके इस सफलता को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब आपके बीच में रहे ज्योत्यादित्य सर, जो कि आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। सर आप रेडी हैं? ये सर बिल्कुल रेडी हैं, और बस बच्चों से सपोर्ट चाहिए कि हमारा जो सपना है, जहाँ पे आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सके, और आप हमारे उस सपने में साथ सर जो है सीयूटी यूजी में हिस्ट्री डोमेन के साथ साथ पीजी में एमए हिस्ट्री को भी देखने वाले हैं। सर तैयार है सर? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तैयारी है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और वैभव सर हैं, जो कि अभी आप लोग एक और सर से मिले थे, आदर्श सर, उन्हीं के पार्टी हैं, सब पार्टी हैं, आप जो भी बोल सकते हो, फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं। सर तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहे, और मिलके अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। और सर रहे वीर सर, जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस डोमेन। सर आप तैयार हैं? सर एकदम पूरी तरह से तैयार हैं, और हम बच्चों के लिए बुक्स भी तैयार कर चुके हैं। तो बच्चों आपसे बस इतना ही कहेंगे, यदि आप सीयूटी कॉन्सेप्ट परिवार के साथ जुड़ते हैं तो समझ जाइए कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा हुआ। थैंक यू सर। तो बच्चों अभी हम लोग एक एक करके सभी टीम मेंबर से आपको मुलाकात करवाएं, रूबरू करवाएं, आपने पहचान लिया होगा, क्योंकि अब आप हमेशा से देखेंगे यूट्यूब पर कोर्सेस में सर से फेस करेंगे, सामना करेंगे ऑनलाइन, आपको पता है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट स्टूडियो नंबर 4 में। तो बच्चों जिस घड़ी का था आप लोग को इंतजार, वो घड़ी आ गई है। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। अभी हम लोग देखेंगे जितने भी कोर्स के बारे में हमने आपको बताया, किस किस कोर्स को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे एक एक करके कि उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, और पूरा डिटेल में आप लोग देखिएगा, अंतिम समय तक देखिएगा। जिन भी स्टूडेंट का सपना है सीयूटी 2024 में, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, बीएड में शामिल होने का,
इसके अलावा स्कूल इंटरन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का, तो उनको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको जरूर भरिएगा। तो आइए हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या हम लोग लेकर आ रहे हैं बिग सरप्राइज में। तो बच्चों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, तो बच्चों हमारा ऑनलाइन कोर्स आ चुका है और जो पहला बैच है उस बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। सबसे खास बात, जाइए आप लोग प्ले स्टोर पे, वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सिटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जाइए श्योर सिलेक्शन बैच को विजिट कर लीजिए। अब देखिए इस बैच में किस किस कोर्स का ऑनलाइन कोर्स लेकर आए हैं, तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग सिटी यूजी के बारे में। तो यूजी में हमारे यहाँ बीए, बीएलएलबी, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीभोक, बीएससी एजी, बीटेक, इन सभी का ऑनलाइन कोर्स आ चुका है हमारे एप्लीकेशन पे। पीजी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, एमए हिस्ट्री, एलएलबी 3 ईयर, जिसका कोड है COQP11। इस कोड में कई सारे कोर्स हैं, इस सभी कोर्स की हम लोग तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा एमबीए, एमबीए का जो कोड है COQP12, इस कोड में भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो सबकी तैयारी होगी। इसके अलावा पीजी के कई कोर्सेस हैं जो अभी नहीं आया, अपकमिंग में है, वो भी आने वाला है, चैनल के साथ बने रहिएगा। बीएड कोर्सेज की बात कर लेते हैं, आप चाहे सीयूटी बीएड की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी बीएड की तैयारी या एनसीईटी बीएड की तैयारी, इन सभी का भी कोर्स आ चुका है। अब देखिए जितने भी हमारे प्यारे बच्चों हैं जो क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11th के लिए, तो उनके लिए है कि जेएनबी का क्लास 6 अभी अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी आया है और अभी भरा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है जेएनबी क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, यानी कि जेएनबी क्लास 6 के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स आ चुका है। सीएचएस क्लास 9 के लिए, सीएचएस क्लास 11th के लिए बात किया जाए तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और मैथ सभी ग्रुप का आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं बीए में आपको किस किस विषय को यहाँ पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, डोमेन सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जनरल टेस्ट, जैसा कि आप सभी को पता है जनरल टेस्ट में जीके जीएस करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ जो कि कंपटीशन वाला होता है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं बीएससी हो गया या बीभोक हो गया, बीटेक हो गया, इन सभी कोर्स में यहाँ पे सीयूटी कॉन्सेप्ट पे आपको क्या क्या दिया जाएगा, कौन कौन विषय को पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एजी, बायोलॉजी, इसके अलावा जनरल टेस्ट में जितने भी पोर्शन है सभी को कवर करवाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बीकॉम की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज सेम हिंदी इंग्लिश, डोमेन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जनरल टेस्ट की बात किया जाए तो जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बीएलएलबी में डोमेन में आपको लीगल स्टडीज पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, जनरल टेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी क्रम में पीजी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पीजी, एलएलबी और एमबीए क्या होता है कि जो पैटर्न है 100 क्वेश्चन का, 100 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कि इन सभी सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। लेकिन अगर पीजी पार्ट 1 की बात किया जाए तो उसमें कंप्यूटर से सवाल नहीं आते, बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग, करेंट अफेयर, जीके जीएस और इसके अलावा लैंग्वेज से हिंदी या इंग्लिश। अब देखिए जब आप पीजी का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि पीजी पार्ट 1 आप किस मीडियम में देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करेंगे तो इंग्लिश क्या सवाल रहेगा, हिंदी मीडियम ऑप्ट करेंगे तो हिंदी से सवाल रहेगा। ये पीजी पार्ट 1 की बात कर रहे हैं और एमबीए एलएलबी में आपको पता ही है 100 क्वेश्चन का पैटर्न बनता है। लेकिन पीजी में होता क्या है, आप एमए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, एमए ज्योग्राफी का, एमए हिस्ट्री का, एमए हिंदी का, तो पीजी 2 सेक्शन में डिवाइड है, पीजी पार्ट 1 जिसमें 25 सवाल पूछे जाते हैं और पीजी का जो पार्ट 2 है डोमेन स्पेसिफिक जिसमें कि 75 सवाल पूछे जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट से ही संबंधित होंगे। यानी आप एमए ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश, तो आपके जो इंग्लिश वाला सेक्शन है सिर्फ इंग्लिश से ही 75 सवाल रहेंगे, 25 में इन सभी पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे। ये पीजी का सभी कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब आगे बढ़ता हूँ, जैसे आगे बढ़ूंगा तो अब हम लोग बात कर लेते हैं
पीजी बीएड के बारे में, यूपी बीएड, सीयूईटी बीएड, एनसीईटी बीएड की यहाँ तैयारी करवाई जाएगा, जो भी इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको कवर किया जाएगा। खास बात यह है कि आपको हर एक स्लाइड में दिख रहा होगा एक मोबाइल नंबर 9651222407। आपको कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी डाउट हो, अभी इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा सीयूईटी कॉन्सर्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया जा चुका है, आपको जाके वहाँ भरिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप अपने कॉलेज के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए, वो भी तैयारी करे और वो अपने सपनों को साकार करे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं एसईटी क्लास सीएचएस क्लास 9 11th मैथ साइंस, इसके अलावा मैथ बायो कॉमर्स आर्ट्स सभी का आया है, जेएनबी क्लास 6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब आपके मन में कई सवाल आएंगे कि सर आपके कोर्स का फीचर क्या है, तो एक एक करके आप समझ लीजिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो आपको भी जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जो भी मान लीजिए आप पीजी के किसी कोर्स में शामिल हो रहे हैं, या यूजी के, या स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, या बीएड, तो सबसे पहला जो है आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा पूरे वीक का एक शेड्यूल मिलेगा, मान लो आपका जो क्लासेस है 6 सितंबर से शुरुआत होने वाला है, तो आपको एक दिन पहले पूरा शेड्यूल चला जाएगा एक सप्ताह का, कि इस सप्ताह में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, तो ये जो है आपको वीकली शेड्यूल मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए पूरी तरीके से है क्या कि जो भी आपके ऐप पर क्लासेस चलेगी पूरी तरीके से लाइव, यानी कि आप लाइव क्लास को देख पाएंगे, यानी क्लासेस मोड क्या है लाइव। उसके बाद लाइव क्लास हो जाने के बाद आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर मैं लाइव नहीं कर पाऊँ, तो लाइव क्लास हो जाने के बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, लेकिन जरूरी है कि आप लाइव कीजिए, क्योंकि आपके मन में अनेक डाउट आएगा, सभी डाउट को सॉल्व करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए डेली आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ से मिलेगा, डेली मिलेगा 10 सवाल का, 20 सवाल के आपके विषय से संबंधित, ताकि आप इसको करें और परफेक्ट बने। इसके अलावा देखिए आपके मन में कई डाउट आएंगे, आप क्लास कर लेंगे, हो सकता है क्लास में कई बच्चे रहें, हजारों बच्चे रहें, आपका सवाल टीचर नहीं सुन पाए, तो स्पेशल आपके लिए डाउट, वो भी लाइव डाउट रखा जाएगा, प्रत्येक दिन डाउट सेशन लाइव आप डाउट पूछ सकते हो अपना। इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो मैन करी होती है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, उसको भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको करवाएंगे, ताकि विगत वर्ष में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं उस पर आप तैयारी करे मजबूती से और एग्जाम में जाने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा जो भी क्लास होगी उसका पीडीएफ यानी क्लास नोट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए यहां पे चीजें ये हैं कि क्लास हो रहा है ना, तो आप तो एक रफ कॉपी लेके ही बैठेंगे, वहाँ पे बनाएंगे, मेहनत करेंगे, ताकि आप में और निखार आएगा और समझ भी आएगा और याद करने में आसानी होगी। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं किसी कारण बस नोट नहीं कर पाते हैं, उनको क्लास नोट्स भी चला जाएगा, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप लोग क्लास जब कीजिएगा खुद से बनाइएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो कोर्स को डिजाइन हम लोगों ने किया है श्योर सिलेक्शन बेच, पूरी तरीके से पूरा बारीकी को ध्यान रखें, जहाँ जहाँ भी कमी नज़र आता है बच्चों में उस कमी को दूर करने के लिए, ताकि जो भी आप देखिए आप लाखों स्टूडेंट के बीच में फाइट कर रहे हो, तो ज़रूरी है आपको यूनिक बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ताकि लोगों से आप अलग लिख लें और आगे लिख लें। इसीलिए बेच का नाम भी है श्योर सिलेक्शन, यानी आपको भी सिलेक्शन लिख के रहना है और हम लोग भी करवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लिए हम लोग, इसके अलावा डेली टेस्ट होगा, प्रत्येक दिन टेस्ट होगा, प्रत्येक दिन आपके पोर्टल बन जाएगा टेस्ट पोर्टल, वहाँ पे प्रत्येक दिन एक टाइम दिया जाएगा शेड्यूल में कि इस टाइम पे आपको टेस्ट अपलोड हो जाएगा, आप जाइए टेस्ट लगाइए, प्रत्येक दिन तो लगे देना ही देना होगा। इसके अलावा मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन होता है तो 6 डे जो है डेली टेस्ट चलेगा, जो 7वां दिन होगा ना वो वीकली टेस्ट में चला जाएगा, यानी जो भी आप 7 दिनों में पढ़े हैं उससे आएगा। इसके अलावा सीयूईटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या बीएड या सीएचएस जिस भी कोर्स में आप शामिल होंगे वो भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे पुट करने का, ताकि उसको भी आप लगाएं और आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो। अब देखिए जब आप प्रतिदिन दे रहे हो, सप्ताह में दे रहे हो, तो आप देखिए जो मंथ में टेस्ट होगा, कहेंगे सर ये सब अलग अलग क्या है, तो अलग अलग है, अलग अलग ये है कि इसमें हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे
और इसमें हम लोग सब्जेक्ट्स पे कवर करेंगे। और ये पूरी तरीके से मान लीजिए बीएड कोर्स में शामिल हो रहे हैं या सीयूटी यूजी में या पीजी में या सीएचएस में जिसमें भी, तो जो सीएचएस का पेपर का पैटर्न है या बीएड का या सीयूटी का उस पर ध्यान रखेंगे और उसके आधार पर टेस्ट होगा जो कि मंथ में होगा। और सबसे खास बात है कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टॉप करेंगे उनको टॉप 10 स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, डिटेल रैंक कार्ड आपको दिया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे कि आप किस पोर्शन में कमी हो अभी, क्योंकि एक मंथ में पता चल जाएगा, फिर अगले मंथ में आप मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। अब देखिए कोई भी टेक्निकल इशू आता है एप से संबंधित, तो हमेशा तैयार रहेगी टीम और आप बात करोगे उसको हम लोग दूर करेंगे। अब देखिए हमेशा आपको पता ही है कि सीयूटी का तैयारी करना, उसके अलावा सीयूटी से संबंधित हर प्रकार के अपडेट भी आपको पाना, क्योंकि सीयूटी में कई ऐसे यूनिवर्सिटी शामिल है, BHU, DU, JNU, इलाहाबाद, तो सभी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है एक समझ आपके अंदर लाना, ताकि आपका सपना JNU है तो JNU ही आ जाए, इस पे ज्यादा कोशिश हम लोग ये करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे क्रांतिकारी, तो देखिए एक यूनिक पहल सीयूटी कॉन्सेप्ट के द्वारा किया जा रहा है स्टडी मटेरियल, आप लोग भी काफी खुश होंगे और मुझे आशा है कि आप देख पा रहे होंगे पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं कि जो जितने भी बच्चे हमारे कोर्स में ज्वाइन होते हैं उनको ऑफलाइन स्टडी मटेरियल हम उनको प्रोवाइड करेंगे, यानी आपके घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। उसमें होगा क्या, यानी कि आप मान लो बीए की तैयारी कर रहे हो, डोमेन सेक्शन, लैंग्वेज सेक्शन, जनरल टेस्ट, इन सभी का एक कंपाइल बुक होगा जो आपको मिलेगा और आप बिल्कुल पढ़ोगे उसको, यानी कि पूरी तैयारी करना है आपको और आप लोगों से आगे बढ़ना है। देखिए होता क्या है कि गाँव के जो बच्चे हैं जो शहर के बच्चे हैं दोनों में एक चीज़ का अंतर आता है, एक है पहला इंफॉर्मेशन का, क्योंकि गाँव के बच्चे भी BHU आते हैं और शहर के भी आते हैं, लेकिन संख्या गाँव का थोड़ा कम रहता है, क्यों, क्योंकि उनको जानकारी के अभाव नहीं रहता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो इसी बात को हम ध्यान में रख के बुक को तैयार किए हैं कि आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये जो आपके लिए पहल किया गया है पूरे सीयूटी कॉन्सेप्ट के द्वारा बेहतरीन पहल है और आपको भी मजा आने वाला है, इस प्रकार का कंटेंट इसमें दिया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग देख लेते हैं कोर्स फीचर में ये क्लासेस का मोड, जो कि बहुत सारा डिटेल है, कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर आपको बता चुके हैं, लाइव रहेगा। अब देखिए अब उस क्लास को आप कई बार देख सकते हो जितना बार आपका मन करे, और लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लासेस का नोटिफिकेशन, जैसे कि मैं एप्लीकेशन पे लाइव आया हूँ, यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, नोटिफिकेशन चला जाता है, जैसे ही एप्लीकेशन पे लाइव आएंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि बच्चों ज्वाइन कर लो आपका क्लास शुरू हो गया है। देखिए ऑफलाइन, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप कहीं गए हैं, वाईफाई मिल रहा है, तो होता है ना हम लोग मूवी को क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं, उसी प्रकार आप जाइए कहीं वाईफाई मिल रहा होगा, 4-5 क्लास को आप डाउनलोड कर लीजिए, आराम से आप आइए घर में आप उस वीडियो को देखिए, यानी डाउनलोड फीचर भी उपलब्ध है, मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश सभी के लिए है। इसके अलावा क्लास का ड्यूरेशन, प्रत्येक क्लास आपका 1 घंटे के आसपास का होगा, क्लासेज जो चलेगी वेब और मोबाइल ऐप दोनों हैं, और प्रत्येक दिन देखिए शेड्यूल में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके शेड्यूल में किस दिन कितने क्लास हैं, मैक्सिमम 3 क्लास भी हो सकते हैं, आवश्यकता पड़ी तो आपको पता ही है एग्जाम के अंतिम समय में आपको रात में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन चाहिए और मुझे भी आपको दिलवा के ही रहना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस क्रम में तो देख लेते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, आपको बताया जा चुका है डेली टेस्ट जो होगा वो आपके जो पढ़ाए जाएंगे उस टॉपिक से संबंधित, इसके अलावा PYQ। अब देखिए वीकली टेस्ट जो होगा जितने भी एक सप्ताह में कवर किए जाएंगे उसी से संबंधित रहेगा, मंथली टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पे रहेगा जो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपका एग्जाम मान लीजिए 10 अप्रैल को है, तो 1 महीना पहले 10 ऐसे मॉक टेस्ट आपको देंगे जो आपके पूरी तरीके से एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड होगा, और जिसे एग्जाम में जाते हो 2 घंटा का टाइम मिलता उसी 2 घंटा में आपको एग्जाम देना होगा हजारों बच्चों के बीच, तो यानी पहले ही आप तैयार हो जाओगे। तो इस प्रकार भी हम लोग तैयारी करके आए हैं कि आपके लिए 10 फुल टेस्ट मॉक टेस्ट देंगे, जो भी आप बीएड हो, सीएचएस हो, सीयूटी यूजी हो, पीजी हो, उसके लिए अब डिटेल रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा, टेस्ट का जो पोर्टल का एक्सेस है वो एप्लीकेशन और वेब दोनों है,
और टेस्ट को भी कई बार आप दे सकते हो। होता है कभी कभी कि आप टेस्ट दे रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का कॉल आ जाता है, मन करता है ना बतिया ले, बतिया लेना, बाद में आके फिर से दे देना। कई बार आप टेस्ट को दे सकते हो। इसके अलावा मीडियम टेस्ट का भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाना ऑफर क्या है। ऑफर अगस्त महीना चल रहा है, बात कर लेते हैं हम लोग आगे। जितने भी स्टूडेंट इस अगस्त महीना में हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में शामिल होने जा रहे हैं उनको 10% ऑफ मिलने जा रहा है। और सबसे खास बात, यहाँ आपको बस 10% ऑफ दिख रहा होगा लेकिन कूपन का नाम नहीं दिख रहा होगा। तो कूपन का नाम अब मैं आपको देने वाला हूँ। कूपन क्या है? कूपन जो है कॉन्सेप्ट 10। कूपन का क्या नाम है? कॉन्सेप्ट 10, जो कि ऑटोमेटिक आपके पोर्टल पे आइकन आ जाएगा, बस वहां पे क्लिक करना होगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए क्रांतिकारी अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी भी पीने, पानी प्यास लग रही है तो पानी भी पी लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, जो कि पूरी तरीके से देख लीजिए, आज से जो है आपके रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुकी है। यानी कि अगर आप CUET 2024 में शामिल होना चाहते हो, चाहे UG कोर्स है या PG कोर्स, या CHS क्लास 9 हो या 11 हो, JNB क्लास 6 है या BEd है, UP BEd हो, इन सभी के लिए हमारे कोर्स में एडमिशन ओपन हो गया है। और जो आपका क्लासेस है, एडमिशन आज से अभी से ओपन हो गया है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं आपके गांव मोहल्ले से, सबको बता दीजिएगा कि नया बैच आ गया है, श्योर सिलेक्शन बैच, ज्वाइन कर ले और सबसे आगे रहें। तो ये अभी से ही आगे रहेंगे ना, तो हमेशा आप आगे निकल जाओगे। तो ये जरूरी, आप अक्सर देखते होंगे क्रांतिकारी, आपसे आगे कोई निकल जाता है ना, तो उसको पीछा करते करते पता नहीं आप आगे निकलोगे कि नहीं निकलोगे। लेकिन जब आप खुद आगे निकल रहे हो तो आप कोई भी आएंगे तो पीछे, आपके पीछे होंगे। तो इसीलिए फटाफट तेजी से ज्वाइन कर लेना, सबसे आगे रहना है, सबसे आगे सिलेक्शन भी पाना है। अब देखिए, क्लासेस जो स्टार्ट होगी 6 सितंबर, यानी कि क्लास जो पहला क्लास जो शुरुआत हो जाएगा 6 सितंबर को। और जो मैंने बुक के बारे में बात किया था, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर बुक कब तक आएगा? जैसे आप कोर्स में ज्वाइन करोगे, पहला क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि बुक इस दिन आपके यहाँ पहुँच जाएगा, आपसे एड्रेस ले लिया जाएगा। अब देखिए, कोर्स जो अवेलेबल है वो CUET कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, इसके अलावा वेबसाइट, दोनों पे पूरी तरीके से आपको बताइए, जो बुक आपको दिया जाएगा वो पहले ही क्लास में घोषणा कर दी जाएगी। पहला क्लास ऑलरेडी आपको पता है हमारा और आपका परिचय का सेशन होगा, और उसमें हम लोग CUET के बारे में बात करेंगे, CUET क्या है, कैसे रणनीति बनाना है, कैसे रोड मैप तैयार करना है ताकि सबसे तेज़ी से आगे निकलना है। अब देखिए, 10% ऑफ है जितने भी बच्चे अगस्त महीना में एडमिशन लेंगे उन सभी के लिए, इसीलिए ज़रूरी है सबको बता देना ताकि 10% ऑफ उनको मिल जाए। और कूपन का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट 10। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए बच्चों, आप CUET कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपका रिजल्ट क्या रहता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। CUET कॉन्सेप्ट आपको पता है कि CUET 2022 से आया, उसके पहले हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। 2020 से हम लोग आए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के फील्ड में, इसीलिए आपको कहते हैं कि यहाँ जितने भी एजुकेटर हैं सब यूनिवर्सिटी से संबंधित है और पढ़ा भी रहा है, तैयारी करवा रहा है एंट्रेंस एग्जाम, इसीलिए CUET कॉन्सेप्ट को सबसे अलग बनाती है। 2020 में हम लोगों ने पहली बार आया, लोगों ने सोचा कि ये क्या कर लेगा ये एकदम यंग टीम के साथ, लेकिन पहले ही वर्ष हम लोगों ने 25+ टॉपर्स दिया है टॉप 100 में। सिलेक्शन तो बहुत ज़्यादा दिया, 25+ स्टूडेंट को टॉप 100 में दिया। लगातार 2020 से हमारा जो सिलेक्शन का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं 2023 के बारे में भी, 2021 में, 2022 में भी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जो कि आप लोग आसानी से कम्युनिटी पोस्ट पर जाके देख सकते हो। 2023 की बात किया जाए, CHS में हमने रैंक 2 दिया, आप बात किया जाए BEd में जामिया में रैंक 1 दिया। अभी हाल की बात बता रहे हैं, अभी तो कई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी नहीं आया, कई टॉपर्स यहां से निकलने वाले। लेकिन आपको पता है CUET का रिजल्ट आ गया, तो जरूरी है कि आप लोग CUET का रिजल्ट देख लीजिए कि CUET कॉन्सेप्ट का रिजल्ट कैसा रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग सीधे जाओ YouTube पे और YouTube पे सर्च करो CUET कॉन्सेप्ट
सिटी कॉन्सेप्ट के कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ और आप खुद देख लो जितना आपको देखना हो। 2021 2022 अभी आएगा, क्योंकि थोड़ा सा पता ही है वेबसाइट स्लो काम कर रही है, तो जैसे ही आएगा आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है, अनूप, इसके अलावा अंकिता, सबका बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में। तो अगर आपका भी सपना है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, देर किस बात की, जुड़िए सिटी कॉन्सेप्ट के साथ और आपको भी आपका सपना को साकार कराते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं, आप लोग आसानी से जाके कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर लेना, आप लोग होशियार हो, आपको पता ही, देखिए बच्चों सबका आ गया है तो आ जाएगा, बहुत सिलेक्शन हुआ, DU, BHU, JNU में भी सिलेक्शन हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी मैं दिखा ही देता हूँ, BEd के लिए स्पेशल चैनल है, PG के लिए स्पेशल चैनल है, स्कूल के लिए स्पेशल चैनल है सिटी कॉन्सेप्ट का। तो चैनल लिस्ट में भी जाके सबको सब्सक्राइब कर लेना पूरी तरीके से, और हमारा ओल्ड क्लास भी देखना है तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो, वीडियो सेक्शन लाइव सेक्शन में देख सकते हो पूरी तरीके से, क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, इसके अलावा हमेशा से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आसानी से एक मोबाइल नंबर मिल रहा होगा आपको, हर एक स्लाइड के नीचे मोबाइल नंबर 96, इस पे कॉल कर लेना, हर एक जानकारी मिल जाएगा, जो भी आपको आवश्यकता हो पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम में जो हमारा BA कोर्स है, आपको देखिए इसमें ऑफलाइन बुक भी प्रोवाइड किया जा रहा है, पूरा तैयारी कंप्लीट तैयारी आपको करवाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी इसी में है, फीस एकदम मिनिमम फीस है 3500। तो BA कोर्स का जो फीस है 3500, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन सब कवर करेंगे हम लोग, लाइव क्लासेस होगी, टेस्ट सीरीज, बुक। इसके अलावा जो जो टीचर पढ़ाने वाले हैं सबका मैं भी इंट्रो कराने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं इसी क्रम में, अब देख ले BSc की बात कर लेते हैं, मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, AG, तो इसका भी 3500 हमारा फीस है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एप्लीकेशन सिटी कॉन्सेप्ट पे जाके विजिट कर सकते हो, अगर आप BCom की तैयारी कर रहे हो तो 3500 इसका भी है, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आपको करवाया जाएगा हर एक चीज़। BLLB की बात किया जाए 3500। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिटी कॉन्सेप्ट ये पिछले कोर्स में कमी नहीं रहा था, हर किसी में कमी होता है, लेकिन इस बार उस कमी को हम लोग दूर करके आए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी का समस्या का सामना करने नहीं देंगे। विभोग का 3500 है, अब इसके इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो BTech का 3500 है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सब लिखा हुआ है। MA इंग्लिश, PG के जितने भी कोर्स हैं उसका जो चार्ज है 300, कितना है, सॉरी 3K, जो कि 3000, कितने फीस है 3000, तो PG के कोर्सेज का फीस है 3000। MA इंग्लिश हो गया, इसके बाद MA हिंदी की बारे में भी देख सकते हो, MA ज्योग्राफी, अब आगे बढ़ते हैं MA हिस्ट्री। हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर और भी कोर्स आएंगे MA का क्या, बिल्कुल आएगा, वेट कीजिए, आप चैनल के साथ बने रहिए। अब बात कर लेते हैं LLB, इस कोर्ट के जितने भी कोर्स हैं सबके लिए 3000 फीस है। अब आगे बढ़ते हैं, ये MBA का कोर्स है, इस कोर्ट के जितने भी कोर्स हैं सबका 3000 फीस है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लास 11 आर्ट्स का CHS का 2000 फीस है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लास 11 साइंस के लिए 2000 फीस है। अब आगे बढ़ते हैं, साइंस में बायोलॉजी और मैथ दोनों ग्रुप है, ये भी साइंस यानी ये बायोलॉजी ग्रुप है, 2000 फीस है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है कॉमर्स ग्रुप, 2000 फीस, और अभी 10% सब कोर्स पे ऑफ है। ये जो है आपका क्लास 9 का CHS का है 2000 फीस, ये जो है आपका JNV का क्लास 6 का है और ये 2000 फीस। अब बात कर लेते हैं आगे, ये है आपका DU, BHU, BEd, CUT, BEd का 3000 फीस, सोशल साइंस, ये लैंग्वेज का है DU, BHU, BEd यानी CUT, PEd का 3000 फीस। अब आगे बढ़ते हैं, ये श्योर सिलेक्शन बैच है जो कि UP BEd के लिए सिर्फ 999 रुपया में आपको ये कोर्स मिल रहा है, अभी से आप तैयारी कीजिए, ये UP BEd का कोर्स 999 में है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो आपके सामने उसमें साइंस आर्ट्स का भी और साइंस का भी 999 में ही है, कॉमर्स कॉमन बी एड 3000 इसका फीस है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 4 ईयर का जो BEd है, ध्यान दीजिएगा ये 12th पास करने वाले स्टूडेंट के लिए, जो BA+BEd 4 साल का कोर्स चलता है इसके लिए, यानी BA का साथ साथ BEd जिसको भी करना है जिस यूनिवर्सिटी में, 3500 इसका चार्ज है,
अब आगे बढ़ते हैं। ये है बीएड बीकॉम के लिए, बीकॉम प्लस बीएड 3500, इसका भी फीस है। ये है बीएससी प्लस बीएड, इसका भी 3500 फीस है। अब देखिए, अब एक ईयर करके आप मिल लीजिए जो आपको पढ़ाने वाले हैं, आपके जो भी कोर्स हैं उस कोर्स में कौन कौन विषय हैं, और आप समझ जाएंगे आपको कौन पढ़ाने वाले हैं। मैं खुद आपको देखूंगा हिंदी लैंग्वेज, इसके अलावा स्टडी जीके करंट अफेयर को, और एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं और आपको बेहतरीन बना दूंगा। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता। सूरज सर 3 साल से पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, और ये रीजनिंग के फैकल्टी हैं सीयूटी कॉन्सेप्ट में। अब आगे बढ़ेंगे चित्रा मैम। चित्रा मैम के बारे में बता दूं कि इनका बुक भी है जो कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ले सकती हो, क्लास में मैम बताएगी भी। 2 साल से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा रही है सीयूटी में। और ये रहे कुंदन सर जो कि 5 साल से पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री डोमेन पढ़ाएंगे कुंदन सर। सबसे खास बात कि जितने भी फैकल्टी हैं ना, सब अनुभवी हैं, सब यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा चुके हैं, तो ये बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं और अब आपके बीच पढ़ा रहे हैं, और सबसे खास बात कई बच्चों का सपना साकार करवाए हैं। अब आपकी बारी है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे ज्योति अजित सर जो कि हिस्ट्री पढ़ाएंगे, खास बात कि एमए हिस्ट्री भी सर ही पढ़ाएंगे। और देखिए होता क्या है कि हिस्ट्री में आपको मैं हमेशा से ध्यान रखा हूँ, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, कहीं भी इशू आने नहीं दूंगा। अब देख लीजिए मिनी मैम ज्योग्राफी आपको पढ़ाएगी, और सीयूटी में ऑलरेडी जितने भी टीचर हैं सीयूटी में पढ़ा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं धर्मवीर सर जो कि ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पढ़ाएंगे, 3 साल से पढ़ा रहे हैं। और ये जो पूर्णिमा मैम इकोनॉमिक्स बीटीएस पढ़ाएंगे, 2 साल से पढ़ा रहे हैं। सिमरन मैम जो कि एमए इंग्लिश को कवर करने वाली हैं, 2 साल से पढ़ा रही है, जेएनयू में टॉप रैंक में से एक लाई थी। अब आगे बढ़ते हैं बिक्की सर, सीयूटी में 4 रैंक लाए थे एमए हिंदी में पिछले साल, और इस वर्ष भी पढ़ाए। बिक्की सर के साथ मैं भी आपको एमए हिंदी में पढ़ाऊँगा। अब आगे चलते हैं वैभव सर, 5 साल से पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, यानी फिजिक्स में जो नंबर आपका कम आता है ना, डरना नहीं है, क्यों, दो दो वीर को लाए हुए हैं, आदर्श सर भी हैं वैभव सर भी है, यानी फिजिक्स में डरना नहीं है, बायोलॉजी में भी नहीं डरना है। एसएसवी मैम और नंदनी मैम दोनों मिलके आपको पढ़ाने जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं सौरभ सर, केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, पिछले वर्ष भी यहाँ पढ़ाए थे, और आशीष सर एजी को कवर करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे, आप संजीत सर जो कि सीयूटी में पढ़ा चुके हैं मैथ डोमेन को पढ़ाएंगे, 2 साल से पढ़ा रहे हैं। परवीन सर मैथ जो आपका जनरल टेस्ट का जो कंपटीशन का मैथ का पोर्शन है उसको कवर करेंगे परवीन सर। अब आगे बढ़ते हैं कनिष्ठ सर जो कि लीगल स्टडी डोमेन को देखेंगे जो कि ऑलरेडी 2 साल से पढ़ा रहे हैं। देवाशीष सर 3 साल से पढ़ा रहे हैं अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अमरजीत सर आप लोग जानते ही होंगे बीएड को कवर करने वाले हैं, और इसके अलावा जिस भी सब्जेक्ट बीएड में हैं उन सभी के बारे में आप देख ही सकते हो, सब टीचर को मैं खुद आपको एमए हिंदी में देखने को मिलूंगा। तो ये क्रांतिकारी जो रहा सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऑनलाइन कोर्स का जो पहला बेच है श्योर सेलेक्शन बेस, उसका पूरा डिटेल जानकारी, पूरा वीडियो आप देख लिए होंगे, और आपके कोई भी भाई बहन है उनको शेयर कर दीजिएगा, और आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे।